नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो Realme ने आज यूरोप पे अपने बहुत सारे डिवाइसेस लॉन्च किया है, लेकिन ये सारे डिवाइसेस के अंदर एक स्पेशल ऐसा डिवाइस था जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। इसका नाम है Realme 6s, जो कि इंडिया पे जो है Realme 5s उसका एग्जैक्ट अपग्रेडेड वर्जन है, और ये वाला डिवाइस 100% इंडिया पे भी लॉन्च होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो Realme 6s इसके साथ Realme 5s का क्या डिफरेंस है और किस प्राइस में इंडिया पे लॉन्च होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात कवाए। और ये वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट जेल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट जेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों का डिस्प्ले को लेके। Realme 6s में हमें मिलता है 6.5 इंच फुल एचडी प्लस नॉर्मल एलसीडी डिस्प्ले। इसका रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज, इसमें गोइला ग्लास का सपोर्ट है और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 91%। लेकिन Realme 5s में 6.5 इंच एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, इसमें एकदम बेसिक 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। अगर इसके ग्लास प्रोटेक्शन की बात करें तो वो है गोइला ग्लास 3। लेकिन Realme 6s में किस क्वालिटी का गोइला ग्लास है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो Realme 5s में हमें मिलता है 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। मतलब ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी और डिस्प्ले एक्सपीरियंस के मामले में Realme 6s बेटर है। और अगर दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो Realme 6s में Helio G90 प्रोसेसर मिलता है और Realme 5s में Snapdragon 665 मिलता है। और ये तो मुझे कहने की कोई जरूरत ही नहीं, Helio G90 लगभग 3 से 4 गुना बेटर है Snapdragon 665 से। और अगर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की बात करें तो Realme 6s में हमें मिलता है 48.8 2x2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। Realme 5s में हमें मिलता है 48.8 2x2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा लेकिन 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। Realme 5s में हमें कोई भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन Realme 6s में हमें मिलता है UIS, मतलब अल्ट्रा इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट। अगर दोनों स्मार्टफोन के बैटरी की बात करें तो Realme 6s में हमें मिलता है 4300 mAh बैटरी विथ 30W फास्ट चार्ज और इसमें USB Type-C का भी फीचर है। और Realme 5s में मिलता है थोड़ा सा बेटर 5000 mAh बैटरी, लेकिन बहुत ही बेसिक 10W फास्ट चार्ज मिलता है और इसमें कोई भी USB Type-C पोर्ट नहीं मिलता है। तो मतलब ओवरऑल बैटरी के मामले में Realme 6s बेटर है। और अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें, Realme 6s में हमें साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और Realme 5s में हमें बैक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अब ये तो आपके पर्सनल चॉइस की बात है, कुछ लोगों को पीछे वाला पसंद है, कुछ लोगों को साइड वाला पसंद है, लेकिन मुझे पर्सनली साइड फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर दोनों स्मार्टफोन के स्टोरेज और रैम ऑप्शन की बात करें तो Realme 6s एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है, 4GB रैम 64GB मेमोरी। लेकिन इसमें जो रैम वो आकर का LPDDR4X रैम है, लेकिन जो स्टोरेज उसमें UFS 2.1 स्टोरेज है। अगर Realme 5s की बात करें, टोटल 2 वेरिएंट पे अवेलेबल है, 4GB रैम 64GB मेमोरी और एक 4GB रैम 120GB मेमोरी। इसमें रैम किस क्वालिटी का है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और मेमोरी भी किस क्वालिटी का है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन मुझे जितना लगता है कि अगर इसमें LPDDR4X रैम होता तो ऑब्वियसली Realme के वेबसाइट में मेंशन होता, और अगर UFS 2.1 स्टोरेज भी होता तो भी Realme के वेबसाइट में मेंशन होता। मतलब इसका रैम और स्टोरेज क्वालिटी Realme 6s से लोअर है। और अगर दोनों स्मार्टफोन के थिकनेस और वेट की बात करें तो Realme 6s का ओवरऑल वेट है 191 ग्राम और थिकनेस है 8.9 मिलीमीटर, और Realme 5s का वेट है 198 ग्राम और थिकनेस है 9.3 मिलीमीटर। मतलब Realme 6s थोड़ा सा ज़्यादा हल्का और थोड़ा सा ज़्यादा पतला है। और Realme 5s अभी इंडिया पे अवेलेबल है 11,000 रुपीस पे, और Realme 6s इंडिया पे लॉन्च होने के बहुत ज़्यादा चांस है 12,000 से 13,000 रुपये पे, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया पे 14,000 रुपये पे 64 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा सेटअप Helio G90T वाला Realme 6 अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन Realme 6 से थोड़ा सा लोअर वर्जन है, तो इसमें एटलीस्ट 1,000 से 2,000 रुपये का डिक्रीज तो जरूर होगा। मतलब ये वाला स्मार्टफोन 100% इंडिया में 12,000 रुपये या फिर 13,000 रुपये पे लॉन्च होगा। और ये स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होने के बहुत ज़्यादा चांस है जून महीने के आखिर वीक पे, क्योंकि उसी महीने पे इंडिया पे Realme अपना 100W स्पीकर भी लॉन्च करने वाला है। तो आज के वीडियो तक उम्मीद है छोटा सा कंपैरिजन को पसंद आया होगा। वैसे ये जो Realme 6s लॉन्च हुआ है ये तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। वैसे जिस दिन इंडिया पे लॉन्च होगा मैं भी सोच रहा हूँ कि आपने लिए एक गेमिंग स्मार्टफोन के हिसाब से मैं खरीद लूँ, क्योंकि मार्केट का अवेलेबल चीपेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। फ्यूचर में आप ऐसे कौन कौन से स्पेक्स कंपैरिजन देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।